सो मेरे हेयर फॉल ऑलमोस्ट जब मैं 22-23 साल का था, विजिबल साइंस ऑफ रिसीडिंग हेयर लाइन मेरे ऊपर हुआ. साथ ही साथ मेरे बाल भी थोड़े थोड़े थिन होने लग गए थे फ्रंटल साइड पे. स्टाफ का बिहेवियर था बहुत ही प्रोफेशनल और टू द पॉइंट था, और इसके वजह से जो ऑपरेशन का प्रोसेस था बहुत ही अच्छे से और एफिशिएंटली हुआ. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है, मैं मुंबई से हूँ, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ. सो मेरे हेयर फॉल ऑलमोस्ट जब मैं 22-23 साल का था, विजिबल साइंस ऑफ रिसीडिंग हेयर लाइन मेरे को थोड़ा हुआ. साथ ही साथ मेरे बाल भी थोड़े थोड़े थिन होने लग गए थे फ्रंटल साइड पे. सो बेसिकली मेरे फादर साइड से इतना हेयर बॉल्डनेस का प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे मामा के साइड से देयर इज़ कंसर्न. तो मेरे मामा हैं, छोटे मामा, उनके हेयर बॉल्ड है ऑलमोस्ट लाइक ग्रेड 5 ग्रेड 6. तो आप भी ऐसे देख सकते हैं कि मेरे जो बैक साइड है हेयर्स हैं, बट फ्रंटल एरिया का रिसीड हो चुका है, ऑलमोस्ट चला गया है. सो उसके लिए मैं बहुत सारे क्लिनिक्स और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, ट्राई किया. मुंबई में बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो नॉर्मली मैंने सब ट्राई किया है, मिनोक्सिडिल, 5% एंड फिनेस्ट्राइड्स वगैरह. सो पर उसमें कुछ ऐसा विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखाई दिया. तो आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, मैंने जैसे मेरा थोड़ा 25-26 के एज में मेरा जो बॉल्डनेस है थोड़ा स्टेबल हुआ, ऑलमोस्ट रिसीड हो गया है हेयर लाइन, तो उसको मेरे को रिस्टोर करने के लिए मैंने और रिसर्च करने लगा कि क्या हो सकता है, ऐसे कोई ट्रीटमेंट वगैरह है क्या. तो उसमें मेरे को जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर जितने भी मैंने वीडियोस देखे, उससे यही पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल. मैंने फिर बहुत सारे रिसर्च किया, यूट्यूब पे, कोरा पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे जगह पे रिसर्च किया. उससे मुझे बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के बारे में पता चला, बट ऐसे बहुत सारे रहते हैं कि बैक साइड पे हेयर ट्रांसप्लांट भी अच्छा होता है, बट फ्रंटल साइड पे कंसिस्टेंटली एस्थेटिक और नेचुरल हेयर लाइन सभी डॉक्टर्स के नहीं रहते. तो इसी प्रकार मैं QHT में यूट्यूब पे गया था, तो इसलिए उनका कंसिस्टेंटली एस्थेटिक और फ्रंट हेयर लाइन जो रहता है उनका, जो भी पेशेंट्स के मैंने देखे हैं टेस्टिमोनियल्स, तो उनके नेचुरल हेयर लाइन थे और बहुत ही एस्थेटिकली भी प्लीजिंग थे. इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि QHT क्लिनिक ही फाइनलाइज़ किया. तो QHT क्लिनिक के रिलेटेड जब से मैंने रिसर्च किया और उनके कांटेक्ट किया उनके स्टाफ को, तो उन्होंने मुझे पूरा जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, 3 डे प्रोसीजर रहता है, कंसल्टेशन, देन 2 दिन ट्रांसप्लांट. और हालांकि मैं मुंबई में हूँ और लाइक 30 आवर्स का ट्रैवल रहता है मुंबई टू हरिद्वार, बट स्टिल मैंने सोचा कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो एक ही बार कर अच्छे से किया जाए, क्योंकि जब भी फेस में अगर आदमी देखता है एक दूसरे के, तो फ्रंटल हेयर लाइन और फ्रंटल हेयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो इसीलिए मैंने QHT क्लिनिक का आने का डिसीजन लिया. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू. सो हेलो एवरीवन, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है. 3000 ग्राफ्ट्स लगे हैं सर पे, जैसे आप देख सकते हैं, और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, बहुत अच्छा लगा. सर्जरी से पहले मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैंने कभी किसी प्रकार की सर्जरी अपने बॉडी पे की नहीं है, तो पर डॉक्टर ने यहाँ पे मुझे बहुत ही ईज डाउन किया, मुझे अच्छे से समझाया कि ये सर्जरी नॉर्मल है, सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे. उसके बाद जैसे ही मुझे OT में शिफ्ट किया गया, वहाँ पे भी डॉक्टर्स बहुत ही प्रोफेशनल थे, बहुत ही अच्छे से मेरा ध्यान रखा गया, हाइजीन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है OT में. 2 दिन का सर्जरी था, स्टाफ का बिहेवियर था बहुत ही प्रोफेशनल और टू द पॉइंट था, और इसके वजह से जो ऑपरेशन का प्रोसेस था बहुत ही अच्छे से और एफिशिएंटली हुआ. ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर्स ने मेरे से कंसल्टेशन किए और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे प्रिकॉशंस, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब अच्छे से और डिटेल्स से बताया, और मुझे उल्टा एक रिटर्न शीट दिए कि क्या करना चाहिए, एक डॉक्यूमेंटेड शीट दी. जो जो भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चाहते हैं कि कराना, तो मैं उनको यही रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार QHT क्लिनिक आएँ, आप खुद अपने आँखों से देखें और फिर डिसाइड करें. मिलते हैं मेरे फर्स्ट PRP सेशन के बाद आपको. सो या थैंक यू. If you like this video, share it with your friends and
Don't forget to subscribe to our channel.